नमस्ते दोस्तों, रचना की रचना चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। बस दीपावली के लिए 2-3 दिन ही बचे हैं। आप सभी की तैयारी तो जोर शोर से चल रही होंगी। हमने भी ये DIY बनाया है, एक दो और बनाए हैं। इसके लिए पुराने दिए और चॉकलेट के खाली डिब्बे से बनाया है दोस्तों। बहुत ही कम समय में और कम पैसे में बनकर तैयार हो जाता है। इस दिवाली हम ज़्यादा खर्च नहीं करने वाले, पुरानी चीज़ों का ही रीयूज करने वाले हैं। सोच आपके साथ भी शेयर करें। जैसे चॉकलेट का ये खाली डिब्बा है, लास्ट दिवाली मिला था आर्यन को, किसी ने दिया था, उसे संभाल कर रख दिया। चॉकलेट खाली लेकिन डिब्बे को संभाल लिया। इसके जो और पार्ट्स हैं इनका भी आने वाले आगे वीडियो में हम यूज करेंगे किसी। तो अब यहाँ पर तो हम इसके दो पार्ट हैं कि दोनों का ही यूज करने वाले, लेकिन जो DIY है उसमें एक होगा, एक हम बाद में यूज करेंगे जी। लेकिन टूटा हुआ था बॉक्स एक्चुअली में, प्लास्टिक का था। अब एक साल से रखा हुआ था दीपावली से, उस लास्ट तो गिर गया तो टूट गया। लेकिन हम इससे के इसमें हम जो सीमेंट डालने वाले हैं, तो अगर हम इसको मतलब सील नहीं करेंगे तो उसमें पानी पानी दिस जाएगा और कहीं जहाँ रखेंगे वहाँ गंदा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ मास्किंग टेप से सील कर रहे हैं। और सीमेंट डालने से पहले हम इसमें कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं। यहाँ पर दो बना रहे हैं लेकिन एक ही आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो दूसरा हमने लिप्पन आर्ट के लिए प्लेट बनाया है सीमेंट से। यह बॉक्स हमें बहुत ज़्यादा पसंद था जब आया था, तभी क्योंकि हार्ट शेप का है, तभी हमने सोचा था कुछ इससे बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा न्यूज़ पेपर बिछा लेंगे क्योंकि जो सीमेंट है वो गिरेगा। जो वाइट सीमेंट का पैकेट है 20-25 रुपये में आता है शायद, हमारे पास में हार्डवेयर की शॉप थी उसके पास यही था। और अलग अलग ब्रांड का होता है, कोई सा भी ले लीजिए, सीमेंट तो जमीना ही है ना बाद में। तो जितना आप इसमें भी काफ़ी सारे DIY बन जाएंगे बाद में, तो जितना चाहिए बस उतना ही घोलेंगे हम। पानी एक साथ नहीं डालना है कभी भी सीमेंट में, नहीं तो आपका वो लम्स पर वो गुठले जैसे बन जाएंगे। और दूसरा क्या, जो अगर आप गुठले जैसा सीमेंट हो जाएगा तो जहाँ उसको आप सेट करेंगे तो वहाँ से वो क्रैक हो जाएगा बाद में ड्राई होने के बाद। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल भी ना लम्स ना बने आपके सीमेंट में, एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो एकदम, मीन्स कहा जाए ना मक्खन जैसा एकदम स्मूथ। और जो ऑयल लगा कंटेनर है अब उसमें डाल देंगे सीमेंट को। और जो बर्तन हमने यूज़ किए तुरंत ही इसको हम धो भी लेंगे सीमेंट के, नहीं तो सीमेंट सेट हो जाता है एक्चुअली में। तो जितना था हमने सारा इसमें अच्छे से डाल दिया। अब सीमेंट को अच्छे से फैला लेंगे कि सभी जगह एक सा रहे, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना रहे। तो स्पून से आप अच्छे से पूरे में मतलब फैला दीजिए और थोड़ा सा डिब्बे को बॉक्स को मीन्स ठोक दीजिए जिससे क्या कोई एयर बबल ना रहे। अब हमारे पास है लास्ट ईयर के दिए हैं, पुराने दिए, देखिए काले काले भी हो रहे हैं। कोई बात नहीं, कलर करने वाले हैं इसलिए हमने काले दिए यूज कर लिए, क्योंकि वॉश करके तो रखते ही हैं लेकिन वो निकलता नहीं है एक्चुअली में। तो इस तरीके से हमने किनारे किनारे मतलब हमने ऐसा सोचा था जो हार्ट शेप है उसके किनारे किनारे दिए लगा देंगे और सेंटर में एक पेन लगाना है हमारे लिए स्टैंड बनाने के लिए। तो आपको जिस भी डिजाइन और शेप में लगाना है तो वो लगा दीजिए, दिए सीमेंट में फिक्स कर दीजिए। ज़रूरी नहीं आप प्लास्टिक का ही बॉक्स लें, आप स्टील का बॉक्स भी ले सकते हैं इसकी जगह। हाँ, बीच में देखिए हमने पेन लगा दिया है। और यह ध्यान रखिए जब भी सीमेंट डालें तो ऑयल ज़रूर अप्लाई करें, जिससे देखिए इजीली निकल जाता है। देखिए हम इस बॉक्स में से निकालेंगे, आप बस थोड़ा सा हिला डुला लेंगे चारों साइड से, जिससे कि वो चिपका हो कहीं से तो निकल जाए। धीमे हाथों से करना है, नहीं तो एकदम आप ज़बरदस्ती खींचेंगे। पूरे 24 घंटे रखना है आपको सीमेंट को जमने के लिए। 24 घंटे में अच्छे से सेट हो गया है, बीच में ट्राई मत कीजिए नहीं तो वो टूट जाएगा। सैंडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मिरर से लगाने वाले हैं, इसलिए हम सैंड पेपर से नहीं घिसेंगे इसके लिए। यह ढक्कन है ऑल आउट का, जो ऑल आउट की बोतल आती है ना, तो बस उसको हम सारे ढक्कन को इकट्ठे रखते हैं ना घर में, तो बस इसको लगा दिया। देखिए होल बना के तो जो पेन था तो पेन में फंसा दिया है। मोल्डेड के लिए है, 10 रुपये की आती है, किसी भी आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगी, हमने लोकल शॉप से ली है। इसमें हार्डनर और रेजिन होता है, हमने कई बार अपने वीडियोज में पहले भी बताया है। तो दोनों को इक्वल मात्रा में लेना है, जितना भी पार्ट आप लेंगे रेजिन का उतना ही हार्डनर का, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना जब भी वो ड्राई होगा, अदरवाइज ड्राई नहीं होगा, कोई एक पार्ट ज़्यादा होगा। और टेलकम पाउडर को यूज़ करने के बाद हम बेलन से रोटी की तरह बेल लेंगे। और हम आप कहेंगे बेलन क्यों यूज करें, एक्चुअली इस बेलन को हम रोटी बनाने में कभी यूज नहीं करते हैं,
क्योंकि इसको हमारे हाथ से रोटी नहीं बनती है, थोड़े मोटे से बेलन से बना पाते हैं। और पतली सी जो रोटी बेली है हमने किले की, इससे पत्ती के शेप में हम उसे डिजाइन दे देंगे और काट लेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं फाता है, मतलब इसे नहीं आता है इस तरीके से काटना, तो आप नीचे से कोई भी ना यूकेलिप्टस कोई भी पत्ती लेके आइए, छोटी बड़ी जो चाहिए, उसको इस बिली हुई रोटी पर डाल दीजिए और इम्प्रेशन बना के उसे काट लीजिए। तो बस इस तरीके से, आजकल तो कटर से भी आते हैं मार्केट में, तो आप कटर ले आइए। हम तो जस्ट ऐसे कुछ भी वाला लंबा पतला जैसा बन रहा है बन जाए, उससे क्या आर्ट तो एक्चुअली में जो बना देंगे वो एक नया डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है, तो खासियत है। इसमें आपको कुछ ना याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा ही करना है। देखिए हमने 6 बना ली, 6-7 जैसी बना ली, जितनी हमने प्ले थी सारी हमने बेल के उसकी पत्ती के मतलब शेप में काट लिए हैं। अब जो हमने ढक्कन लगाया ना ऑल आउट का, उसके ऊपर हम फेविकॉल या फेविकॉल जो भी है उससे एक दिया को चिपका देंगे और उसमें किले भी लगा देंगे साथ में, जिससे वो दिया ना अच्छे से उसमें चिपक जाए। अब जो पत्तियां हमने काटी हैं तो उस जो प्लास्टिक का वो इसके चारों साइड हम लोटस जैसा बना रहे हैं, तो ऐसा माइंड में आया, कभी देखा नहीं ना हमने कभी पहले ट्राई किया, बस जस्ट ऐसे बनाते बनाते लगा कि ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, और हम तो कभी देखते ही नहीं और ट्राई भी नहीं करते हैं, और ना कभी हमने हमेशा थोड़ा यूनिक सी चीज़ बनाने में मज़ा आता है, कुछ ऐसे तरीके से जो हमें पसंद हो, हमारे घर को यूजफुल है वही हम बनाते हैं। आप सोचेंगे दिया पे किले क्यों लगा दी, यह दिया एक्चुअली में पुराना था तो थोड़ा सा ना टूटा हुआ था, उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। देखो जी भी फंबल कर रही थी ना, कोई बात नहीं। और जो पेन लगाया है, पेन के चारों साइड भी ना हम अच्छे से किले को लगा देंगे, जिससे कि जो पेन है वो स्ट्रांग हो जाए, और जो किले की डोरी बना के चारों साइड लगा देंगे उस पेन के, जैसे ना कोई बेल चढ़ी हो इस पेन के ऊपर। देखिए बनकर तैयार हो गया किले से हमने बनाए, 10 रुपये की किले थी, 5 रुपये का सीमेंट लगा, 5 से भी कम रुपये का सीमेंट लगा। अब हमने सोचा 18 कैरेट गोल्ड झूठा ही कहीं, 18 कैरेट गोल्ड से ही बनाएंगे इस दिवाली हम तो अपना जो भी DIY बनाएंगे। इस स्प्रे पेंट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि स्प्रे पेंट देख तो अच्छे से हो जाता है सभी जगह और जल्दी ड्राई हो जाता है, अभी टाइम नहीं है, हमने लास्ट मोमेंट पे बनाया है एक्चुअली में, तो अब जल्दी से इसमें मिरर्स भी लगाने हैं। तो बस देखो सूख कर तैयार हो गया, डबल कोट कर दिया हमने तो अच्छे से हो गया है एक्चुअली में। अब इसमें हम मिरर्स लगा देंगे, जो भी शेप और डिज़ाइन के हैं वो सब हम लगा देंगे, आपके पास जो है वो लगा दीजिए, नहीं लगाना है तो ऑप्शनल है दोस्तों, छोड़ सकते हैं। देखिए कितना सुंदर DIY बनकर तैयार हो गया, मार्केट में तो अभी ऐसा आया भी नहीं होगा। अब इसे डिस्प्ले करने की बारी है, तो जो लास्ट ईयर की लास्ट टू लास्ट ईयर या 2-3 साल पहले से मिठाई आई थी इस थाली में, और ये माला है ना ये भी 2-3 साल पुरानी है, हम वॉश करके रख देते हैं हर बार। अब इसमें हम अपने जो हमने DIY तैयार किया उसको रखेंगे। आप अच्छे से अच्छा DIY बना लीजिए, यदि डिस्प्ले अच्छे से नहीं किया या प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं किया तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो हम कोशिश यही करते थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करें। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हमें तो बहुत पसंद आया है दोस्तों। यदि आपको यह DIY पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस तरीके के नए DIY और बनाते रहेंगे हम, और दिवाली मनाते रहेंगे। तो बस आगे एडवांस में हैप्पी दिवाली दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि नहीं किया है तो। थैंक यू।